मोदी सरकार को हम बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को अपनी तालीम के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की। आप दुनिया पूरी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में देखें, हमसाया मुल्क मैं नाम ले लेता हूँ इंडिया का, आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई है ना, देखें है तो हमसाया मुल्क ही ना, आप वो सोच के ना करें कि वो अलहदा मुल्क है, वो अलहदा, आप ये चीज देखें कि वो आगे जा रहे हैं, अगर आगे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, अगर वो जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते भाई। बात ये है कि वो अगर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। आमतौर पर हम टक्का कहते हैं, किसी चीज का मजाक उड़ाते हैं, करेंसी का मुल्क कहते हैं, यार इसकी वैल्यू टके के बराबर नहीं। कभी ये क्या करते थे, अवाम को फायदे के लिए ऐसी कोई पॉलिसी हमें नजर नहीं आ रही। आप देखें कोई भी मुल्क है जिसमें, अब बांग्लादेश को उठा के लेकर कल हमसे अलग हुए हैं कतर में, तो उन्होंने अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाई है, नीचे अपने आम जो तबका है जितने भी लोग हैं उनके उनके फायदे के लिए उन्होंने इस तरह के काम किया है कि उनकी आज वैल्यू, उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज्यादा है, उनकी करेंसी की वैल्यू कहाँ थी, टका जिसका हम मजाक कभी उड़ाते थे हम उस, जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम आमतौर पर हम टका कहते हैं, किसी चीज का मजाक उड़ाते हैं, करेंसी का मुल्क कहते हैं, यार इसकी वैल्यू टके के बराबर नहीं। कभी ये क्या करते थे, आज वो टका जो है ना मेरे ख्याल से 2.5 रुपए का हो गया, इसलिए वो टका इसीलिए आगे गया कि उन लोगों की पॉलिसी जो आम लोगों के लिए बड़ी अच्छी है, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई है। इस टाइम आप देख लें इंटरनेशनल लेवल पे गारमेंट्स उनका बांग्लादेश का जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स। आपने बात की 2-3 दफा पॉलिसीज की, मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो पाकिस्तान को अडॉप्ट करनी चाहिए, जो पाकिस्तान को अपनानी चाहिए। आपने बांग्लादेश की बात की, मैं कहता हूँ इंडिया की अगर बात करें, 1947 में हमारे साथ ही उन्होंने तरक्की का सफर स्टार्ट किया, आज वो कहाँ पे और हम कहाँ पे, अगर अपना करेंसी की बात। जी बिल्कुल, इसमें अगर करेंसी की आप बात करें और आपको सिर्फ करेंसी को लेके अपने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, उसमें आपने देखना है कि रूल ऑफ लॉ अपने इस मुल्क के अंदर जहाँ पे इंसाफ है, कहाँ से भी बात करते हैं अब तो बात करना डर लगता है कि रूल ऑफ लॉ जो है ना, जिस माशरे में इंसाफ हो, अदल हो, और उसके बाद वहाँ की पॉलिसी आम लोगों के लिए, वहाँ कॉन्फिडेंस डिवेल्प हो, लोग बिजनेसमैन यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें और इंडस्ट्रीज लगाएं, और फिर आपकी जो मीशत तरक्की करती है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्केट में पैसा आता है, आप करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, नो डाउट एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ही करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन, कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है उसकी वजह से भी पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू होती नजर नहीं आ रही। अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने ब्लैक मनी को रोकने के लिए उन्होंने 2000 का नोट विड्रॉ किया, इससे पहले वो जो है वो डिमोनिटाइज कर चुके हैं कुछ नोट, क्या हमें भी ऐसी पॉलिसीज लाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है, हमें ऐसे रूल लॉ बनाने चाहिए यहाँ पे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके खिलाफ कोई ऐसा, हमारा यहाँ से पैसा इकट्ठा करके हमारे कोई पॉलिटिशियन यहाँ से आम आवाम का जो टैक्स का पैसा इकट्ठा करके बाहर जाके ऐसी कंट्रीज में ले जाते हैं, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं और डॉलर्स में। एक बड़ी अहम चीज हो रहा है जो, अगर हम अगर डिजिटल करेंसी की बात करें या डिजिटल वे में बात करें, जो भी हम लेते हैं चीजें या खरीदते हैं वो हम अगर वो डिजिटल पेमेंट के हवाले से अगर काम किया जाए तो वो काफी हद तक करप्शन रोक नहीं देंगे। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है और हमारे लोग तो अभी आपस में ही, इनको इतना यहाँ से इतना टाइम नहीं मिल रहा कि इस तरह भी देखें। अभी पिछले दिनों में मैं सुन रहा था हमारे वजीर खजाना, उनसे उन्होंने डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा तो वो लाजवाब थे, उनको पता ही नहीं था इस बारे में, वो कहते यार वो बस इसमें मैं बात नहीं कर सकता। तो ये पूरी दुनिया इस तरफ आ रही है, डिजिटलाइज हो रही है, तो इस तरफ भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए। और बाकी जैसे ये मार्केट है, ये शॉप्स हैं, यहाँ पे अगर हम डिजिटल सिस्टम रखें कि डिजिटल वे में आप अपना जो भी चीज खरीदनी है या सेल करनी है आप उसकी पेमेंट डिजिटल वे में करें, काफी हद तक जो ब्लैक मनी है वो सामने आ जाएगी, उसका यूज मुश्किल हो जाएगा और हम अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बेहतर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, डिजिटलाइज में बहुत सारे इसके फायदे हैं, एक तो उसका आसानी हो जाती है आपको, और दूसरे उसकी ब्लैक मनी और उसमें उसका गलत यूज नहीं होता आपकी करेंसी का, और सेफ और यानी कि तेज तरीका कार होता है। लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि जिस तरीके से हम बहुत सी चीजों में ये कहते हैं कि हमारे नेबर ने, मतलब इल्जाम लगाते हैं बहुत सी चीजों में, कभी अफगानिस्तान पे, कभी इंडिया पे, कभी ईरान पे, या कभी कभी कहीं पे अमेरिका पे या कहीं कहीं, मुझे ये बताएं ऐसे ही जो बेहतर चीजें हो रही हैं, अगर इंडिया में बेहतर कोई पॉलिसी है उनके कंट्री को बेहतर करने के लिए उन्होंने बनाई है, वो हमें यहाँ पे आके पब्लिक को बतानी चाहिए कि वो देखें जी उन्होंने वो पॉलिसी बनाई, वो आगे चले गए, उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर कर दिया, हमें भी ये पॉलिसी अडॉप्ट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कोई भी कंट्री है, कोई भी जिसको हम कहते हैं वो दुश्मन ममालिक है, वो ये है वो है, हमारा उनसे ठीक है, हमारा इख्तलाफ हो सकता है कुछ पॉलिसी में, लेकिन आज हम इंडिया को देख लें,
मोदी सरकार को हम बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को अपनी तालीम के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की। आप दुनिया पूरी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में देखें जहाँ पे आपके सीईओ बड़े बड़ी किसी कंपनी में बड़े बड़े यूट्यूब के सीईओ की अगर बात कर लें, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इसके अलावा वो एक लाइन है बहुत आपको इंडियन मिलेंगे बहुत सारा बड़े ऑफिस में जितने भी उनके हैं, तो वो उन्होंने अपने तालीम पे बड़ा फोकस किया और वहाँ पे आईटी के शोबे में आप देख लें बहुत हद तक तरक्की की है। ये चीज़ें दुनिया इस तरफ आगे बढ़ रही है और हम ही उसी सियासत में उन्हीं चीजों में बहुत पीछे रह गए हैं। कहीं ना कहीं जानबूझ के हमें इन चीजों में नहीं रखा गया, हमारी सोच को बढ़ने नहीं दिया गया, हमारे विजन को बढ़ने नहीं दिया गया कि आज भी अगर कोई बेहतरी की बात करता है, अगर ये कहता है कि भाई जिसको आप मुकाबला करना चाहते हो या हर चीज में हमें मुकाबला बताते हो, वो देखो कहाँ चला गया एजुकेशन में, वो देखो कहाँ चला गया आईटी में, वो देखो कहाँ चला गया इंजीनियरिंग में, तो वो कह दिया जाता है ये देखो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो एजेंट है, पक्का एजेंट। बस ये बिल्कुल ऐसे ही बात है। आप ये सोचिए हमारे जितने भी यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, अब इनकी एजुकेशन देख लें और इनका, हमारे ये लोग वही पुराने हैं, कोई 40 साल से 20 साल से बारियां ले रहे हैं, इनमें इतना कोई खास मतलब वो इतना पढ़ा लिखा और इतने हाई लेवल का माइंड नहीं बैठा हुआ, वो लोगों के इसी बातों में उलझा के अपनी सियासत आगे लेके आना चाह रहे हैं। वो दुश्मन ये दुश्मन ये नारा वो नारा, कभी कश्मीर का नारा, कभी मजहब का नारा, इन चीजों से हम आगे बढ़ेंगे तो ही बेहतरी आएगी। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहे पब्लिक को, ऑडियंस को, बहुत से लोग इंडिया से भी देख रहे हैं, उनकी उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। जी मैं यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी आवाम को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने जिस शोबे पे आप काम कर रहे हैं उसमें आप खुद करके दिखाएं, जबरदस्त आप खुद अपनी अपना 100% दें, 100 नहीं दे सकते आप, 90% अपना फोकस करें, जिस भी शोबा है कोई तालीम है किस काम, अपनी ईमानदारी से फोकस करें और अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें। बाकी वक्त चेंज होता है, चीजें चेंज होती है, जब आप अपनी अपने मुल्क से अपने आप से अपने फैमिली से मतलब आप ठीक होते हैं, अपने लॉयल होते हैं, अपने 100% देते हैं तो चीजें चेंज हो जाती है। और इंडिया से कोई इंडिया वालों के लिए कोई मैसेज? इंडिया वालों के लिए है कि वो भाई सारे हमारे भाई है, हमारे इसी खिते से है, हमारे रीजन से है, सिर्फ दरमियान में एक बाढ़ है, ठीक है उनके कुछ पॉलिटिशियन की पॉलिसीज हैं वो हमारे खिलाफ होती है, कोई हमारे उनके खिलाफ होती है, लेकिन हमारे दिल में इतना फर्क नहीं है। आज वो तरक्की कर रहे हैं तो हमें भी वैसा ही उनको देख के उन्हीं शोबों में उन्हीं की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी सोच अगर होगी कि भाई उन्हें देखें, आप उनसे कॉपी ना करें, लेकिन यह कि जो बेहतर चीजें हैं वो आप अडॉप्ट करें। आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते, आप चाइना की बात कर लें, आप दुनिया का कोई भी कंट्री जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आप उसकी अच्छी चीजें देखें और वो पाकिस्तान में लेकर आए, पाकिस्तानी पब्लिक का फायदा करें। अगर हम जज्बाती नारे, जज्बाती स्टेटमेंट्स और एक दूसरे के खिलाफ नफरत बड़ी स्टेटमेंट देंगे तो पाकिस्तान का फायदा नहीं हो सकता, नुकसान ही होगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी उमर आसिफ। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस किस चीज का? मेरा बैंकवेट हॉल्स वगैरह का बिजनेस है। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू। अगर बात करें डॉलर के मुकाबले में हिस्ट्री की सबसे बुरी पोजीशन पे इस टाइम मौजूद है। ओपन मार्केट में तकरीबन 325 रुपए का एक डॉलर मिल रहा है, क्या वजह समझते हैं आप? यार मेरे पर्सनली मुझे जो लगता है ये आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ना होना, सेकेंड चीज ये है कि अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तानी इकोनॉमी को देखें ना तो आपकी सारी इकोनॉमी बेस कर रही है इम्पोर्टेड चीज़ों पे। आपकी लोकल कोई ऐसा कंपनी आपकी लोकल प्रोडक्शन को प्रोडक्ट ऐसी है ही नहीं जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच के को पैसे लाएं कंट्री। अगर है भी है होममेड प्रोडक्ट्स अगर है भी है बहुत कम है, ज्यादातर हम चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कभी हमारी गवर्नमेंट ने उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए फोरम्स ही नहीं क्रिएट किए मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेड के लिए, किसी भी तरह से। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, आप किसी भी कंट्री को अच्छे को देखें ना। मैं आगे आपकी बात की तरफ आता हूं, मुझे बताएं आपने बोला बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, कोई 4-5 प्रोडक्ट्स आपके ख्याल में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करे तो पाकिस्तान की इकॉनमी पे 4-5 सिर्फ बता। मैं आपको बताता हूँ, आपके पास लेदर से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स बड़ी पोटेंशियल है। उसके बाद मेरे अपने बड़ा ज़्यादा सराउंडिंग में लोग प्राइवेटली अपने तौर पे कर रहे हैं ये नाइफ्स, हंटिंग नाइफ्स, डमास्कस शॉर्ट्स वगैरह, पूरी दुनिया में प्रोडक्शन नहीं है, एक पाकिस्तान में और एक जर्मन में है। ये प्रोडक्ट्स ऐसी पोटेंशियल वाली हैं कि आपकी इकोनॉमी को पांव पे खड़ा कर सकती हैं। लेकिन दोनों चीज़ें पाकिस्तान में खास तौर पे अगर स्पोर्ट्स के सामान की बात करें, लेदर की, बड़ी बड़ी सारी बेशुमार। आपके पास सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके पास लेबर है, यहाँ पे हैंडवर्क पूरी दुनिया में महंगा है, आपके पास पूरे पाकिस्तान में बहुत सस्ता है उसको, लेकिन बेच भाई उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट
आप अपने हमसाया मुल्क को देखे ना, उन्होंने देखा कि हमारी यूथ में आईटी की तरफ डायरेक्शन ज्यादा है, यूनिवर्सिटी जी जी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, उनको वो फोरम प्रोवाइड किया मेडिकल में, अब वो नंबर 2-3 पे जा रहे हैं। और अगर बात करें उनकी करेंसी की और डॉलर की अगर बात करें तो वो काफी साल से 2-3-4 सालों से अगर मैं बात करूं तो वो 80-85 के राउंड अबाउट ही है, यानी उन्होंने उसे फिक्स करके रखा है, मैनेज करके रखा है। हम अभी 6 माह पहले तकरीबन 200 पे थे, आज 310 पे नजर आ रहे हैं। सर ग्रोथ या डिक्लाइन कोई भी स्टेबल होता है ना, पॉइंट्स में ऊपर जाता है नीचे जाता है वो समझ में आता है, हमारी हर चीज जंप करती है ऊपर और फिर आर्टिफिशियली नीचे, वो चीजें कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, आपने इंडिया की बात की, वहाँ पे 2000 का जो नोट है उसे विड्रॉ किया गया, पहले कुछ नोट्स को जो उन्होंने वो किया है डिमोनेटाइज किया, लेकिन अब 2000 के नोट को विड्रॉ किया कि भाई करप्शन किसी तरीके, ब्लैक मनी को किसी तरीके कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान में भी ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए, डिजिटल जो सिस्टम है उसे भी लॉन्च करना चाहिए कि भाई आपने जो भी चीज खरीदनी है बेचनी है ऑनलाइन वे से आप खरीदें डिजिटल वे में। जी देखें जी, ऑनलाइन पे तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया कन्वर्ट हो चुकी है, वो तो बेस्ट वे है, लेकिन मेरा पर्सनली करेंसी का कम करना, ये वो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, इससे पहले बेस लाइन आपको क्रिएट करनी पड़ती है, इंडस्ट्री के फीड स्ट्रांग करने पड़ते हैं। हमारे पास वो का प्लान करने के लिए कोई बंदा नहीं है, आप किसी भी हमारे पॉलिटिशियन से पूछ लेना, वो ये कहेंगे इलेक्शन चाहिए हमें, क्यों हालात बहुत खराब है, पूछे ना आपके पास प्लान क्या है, वो कोई प्लान आज तक नहीं बताता, पॉलिसी कोई नहीं। क्या वजह है कि पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की पब्लिक को जो असल इश्यूज हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इशू मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की यूथ में या पब्लिक में विजन नहीं है, उसके ऊपर क्यों नहीं हमारी मीडिया, उसके ऊपर क्यों नहीं हमारे पॉलिटिशियन बात करते कि भाई विजन देना है सबसे पहले कौम को, उसके बाद आगे चले। उसकी एक रीजन है, उसके ना पर्दे के पीछे बड़े सारे लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं, जब आप लोगों को विजन वो देंगे ना तो वो मफादात जो है वो फिर खराब होते हैं, फिर लोग उसकी डिमांड भी करेंगे। आप अगर विजन दे देंगे, अगर बता देंगे कि एजुकेशन की बड़ी वैल्यू है, आईटी की बड़ी वैल्यू है, तो फिर लोग कहेंगे आईटी दो भाई हमें, ये नारे ना दो हमें, जज्बाती तकरीरें ना दो हमें, आईटी दो। यस, फिर वो चीजें इफेक्ट होती है ना। मैं पर्सनली ये बात कर रहा हूँ कि आप हमसाया मुल्क, मैं नाम ले लेता हूँ इंडिया का, आप इंडिया को देखे ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है, मुझे ऐसे लगता है, अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कल को कर्जा मांगने जाना है, कर्जा ना मांगे, बिल्कुल कर्जा ना मांगे, आज हम ट्रेड खोल लें उनके साथ तो फायदा नहीं है कि बजाय कल को कर्जा मांगना पड़े अल्लाह ना करे। सर उनके साथ ट्रेड खोलना क्वेश्चन ही नहीं है, आप अपनी इंडस्ट्री अपनी ट्रेड को इतना स्ट्रांग करें कि डेफिनेटली इंडिया छोड़ के सारे कंट्रीज आपसे लेते हैं, आप अपनी चीजें, आपके पास ऑफिस में चले जाए ना, गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी, आपको कोई छोटा सा काम है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे चीज़ें करेंगे, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं रखी हुई और प्लान्ड प्री प्लान्ड है, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ईज होनी चाहिए बिजनेस में। लेकिन बात यह है, ये तब होता है जब प्रायोरिटी होती है, आपके जो ऊपर बैठे हुए पॉलिटिशियंस हैं उनकी उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, वो क्या प्रायोरिटी वो आपसे मुझे कोई छुपी नहीं, और मेरे ख्याल में आज की डेट में 99% पाकिस्तानियों को पता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये प्रायोरिटीज है सीट के ऊपर आना है, किसी ना किसी तरीके इक्तदार में हुकूमत में आना है, लेकिन जो इन्होंने बात की है कि हमें पहले अपने विजन को के ऊपर फोकस करना है, अपनी यूथ को जो है वो प्लेटफॉर्म ऐसे देने हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाए, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, होममेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करना है। अच्छा लगा इनसे बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज उवैस। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूं और साथ बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पढ़ क्या रहे हैं? मैं भी कर रहा हूं। जबरदस्त। इसी हवाले से आज का टॉपिक है, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें, मुझे सबसे पहले ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, ये बताएं पाकिस्तान की जो इस टाइम करेंसी है, $1 कितने पाकिस्तानी रुपये के बराबर? मैं 3-4 दिन पहले की बात है, तब मैंने देखा था 300 कुछ की बात हो रही थी, 300-304 रुपए की बात हो रही थी, 305-307 रुपए की बात हो रही थी। ओपन मार्केट में इतना ही है, 305-310 के राउंड अबाउट है, ठीक है। अगर बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तानी रुपये और बांग्लादेश का जो सा टका है उसमें क्या डिफरेंस है? वो ना एक मुझे मिसाल याद है इस पे कि 2% के लोग, ठीक है, वो 2% की बात, टका जो है ना वो टका आज इतना होगा कि 2 रुपये 2-2.5 रुपये या 3 रुपये का मेरा ख्याल 1% हो चुका होगा बांग्लादेशी, ठीक है। तो आप अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के जो पाकिस्तानी करेंसी और इंडिया की करेंसी कितना डिफरेंस है? 180 रुपए का वहाँ पर ग्रैंड चिकन स्पाइसी मिल रहा है मैकडॉनल्ड्स से। अच्छा। और यहाँ पर मिल रहा है आपको 1140-1150 रुपए का। अच्छा। और जो डिफरेंस है वो आप लोगों के सामने वाजे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन 4.25 रुपए जो उनसे है हमारे उनके 1 रुपए के बराबर है। अब आते हैं सवाल की तरफ, क्या वजह है कि पाकिस्तान की करेंसी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है डॉलर के मुकाबले में? हमारा ध्यान नहीं है, पॉलिसीज बेहतर नहीं है, क्या रीजन?
देखिए जी, हम लोग यहाँ पर घुसे हुए हैं पॉलिटिकल वॉर के अंदर, और जो कि सबसे बड़ा इशू फिलहाल बना है ना, वो ये है कि हर बंदा यहाँ पर अपना जाति मुफाद देखता है, अपने बेनिफिट्स को देख जाते हैं। जहाँ पर भी सियासत आती है, वो सियासत जो है ना, वो यहाँ पर यही है कि जी आज इसका बच्चा है, कल इसके बच्चे आएंगे, कल ये आएंगे या वो आएंगे, ये नहीं है। आप मेरिट बेस के ऊपर यहाँ पर हमारा बच्चे किसी के भी आ जाते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के, लेकिन करेंसी को तो बेहतर करें, स्टेबिलिटी तो लाएं। स्टेबिलिटी वो कहाँ से लाएंगे, वो उनके अपने सीधे नहीं होते। आजकल पीडीएम एक हुई हुई है, ठीक है, अभी इलेक्शन करवाएंगे सब अलग है, ठीक है। ये पॉलिसीज बनाते हैं सिर्फ अपने जाति मुफाद के, वक्ती तौर पर जिससे फायदा हो, ये लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं करते। ये शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में आवाम इतने में खुश हो जाती है। अब मतलब 250 रुपए का पेट्रोल महंगा करने के बाद 10 रुपए सस्ता करके 240 का करेंगे, आवाम खुश, पब्लिक खुश हो जाएगी कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया। अच्छा, इंडिया में काफी साल से, गुज़िश्ता कुछ साल से डॉलर जोन है, डॉलर की वैल्यू स्टेबल है इंडियन करेंसी के मुकाबले में, ऑलमोस्ट 80 से लेकर 85 के राउंड अबाउट उनका डॉलर रहता है, कभी 82 कभी 84 कभी 86। पाकिस्तान में 6 माह में वो 200 से लेके 300 पे आ गया, यानी 100 रुपए बढ़ गए। इससे मुझे वो बात याद आ रही है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। अब ये है कि बोलना ही काफी नहीं होता, हम लोग यहाँ पर जो है ना डायलॉग करते हैं, जज्बाती डायलॉग। हम साए हैं, हमारे इंडियंस भाई वगैरह जो भी हैं, वो जो आप देखा जाए ना, तो वो वर्किंग कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हम है, यहाँ पूरी मार्केट को देख लें, यहाँ पर भी आपको कोई बंदा ऐसा नहीं नजर आएगा जो अपने जाति मुफाद के लिए ना लगाओ। तो ये जाति मुफाद की हासिल, हम एक कौम की तरह नहीं रह रहे। अगर हम, जब हम एक कौम की तरह काम करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, खाली अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, तब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है पूरी कि हमारा रुपया जो है वो शायद शायद की बात है कि तरक्की करे। बहरहाल इतनी ऊपर जा तक अब चला गया ना, वैसे उम्मीद कोई नहीं बाकी रही। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग भी एक बड़ी रीजन है पाकिस्तान के जो करेंसी है डीवैल्यू होने में? इंडिया ने रिसेंटली अपना जो 2000 का नोट है उसे विड्रॉ किया है, ठीक है। पाकिस्तान में भी ऐसे कोई स्टेप लेने की जरूरत है जिससे करप्शन रुक सके, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग रुक सके? देखिए, करप्शन कौन रोकेगा? यहाँ पर जिसकी हुकूमत आती है, वो जो दूसरा उससे पहले होता है उसको अंदर कर देता है। अब आप देखें कि अगर ये नवाज शरीफ हुकूमत जा रही है तो वो पीटीआई वालों को अंदर कर रही है। जब पीटीआई वाले थे वो नवाज लीग नवाज वालों को साइड कर रहे थे, जरदारी को साइड पे कर रहे थे, वो यहाँ पर यही चीज चल रही है, ठीक है। तो जब तक आपसी मुत्तफिका राय कोई अमल में नहीं आएगा, यूनिटी नहीं होगी, यूनिटी नहीं है, यूनिटी है यूनिटी नहीं जब तक होगी पार्टीज के अंदर।